छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में रेडी टू ईट फूड को लेकर बवाल हुआ। सदन में विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में अप्रैल महीने में रेडी टू ईट फूड की सप्लाई नहीं हुई। साथ ही इस अनियमितता के लिए भाजपा ने सदन की कमेटी से जांच कराए जाने की मांग की। वहीं इस मामले पर मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि महिला स्व सहायता समूह की हाईकोर्ट में लगी याचिका की वजह से सप्लाई नहीं हो सकी, फिर भी हमने मई जून महीने की सप्लाई की है, सिर्फ अप्रैल महीने की नहीं हुई। सभा में रेडी टू ईट का मुद्दा उठा है। रेडी टू ईट के मामले में मार्च में, अप्रैल में, मई में बच्चों को रेडी टू ईट नहीं मिला। इन्होंने कहा था कि मुख्य माननीय जो महिला बाल विकास मंत्री हैं, उनकी बाइट और उनका प्रेस नोट मेरे पास में है। रेडी टू ईट की सप्लाई के संदर्भ में जो नीतियों में परिवर्तन किया गया, उसके कारण माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि अप्रैल माह में वितरण दुरुस्त नहीं हो पाया था। उसके बाद के महीनों में अब रेगुलर वितरण हो रहा है और अप्रैल माह के वितरण नहीं होने का भी कारण उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण लंबित होने की जानकारी दी।